झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ियों पर रविवार को रोपवे की कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी और इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कल हादसे के बाद 12 केबिनों में कम से कम 48 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। साथ ही 2 लोगों की मौत की खबर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कर दी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि यह घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप केबल कारों की टक्कर हुई थी। वहीं एयरफोर्स के चॉपर सुबह से ही बचाव कार्य के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि हादसा होने के बाद रोपवे मैनेजर और दूसरे कर्मचारी मौके से भाग गए थे। वहीं देवघर की उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम को बचाव अभियान के लिए मौके पर तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में NDRF की मदद कर रहे हैं। उसमें भी घायल है, 10 नंबर में घायल है, 8 नंबर पूरा सीरियस में। कितने लोग गिरे, कितनी पहले गिरी? सब गिरा नहीं है, तार छोड़ दिया, जो पिलर का तार है वो तार छोड़ दिया। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।